हाय गाइस, दिस इज़ मिताली। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बना रहे हैं मॉर्निंग में चीले। तो गाइस, चीले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी आटा लिया था, जिसे रात भर के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया था, फूलने के लिए छोड़ दिया था, जिससे कि थोड़ा सा हमारे आटे में खट्टापन आ जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक चम्मच जीरा ले रही हूँ, फिर हम आधी चम्मच हल्दी लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे डेढ़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर लूँगी। आप अगर तीखा कम पसंद करते हैं तो सिर्फ एक चम्मच या आधा चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। हम थोड़ा ज़्यादा तेज पसंद करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डेढ़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। इसके बाद आधा चम्मच मैं यहाँ पे गर्म मसाला लूँगी। आप चाहें तो गर्म मसाला आधा चम्मच भी नहीं, आधा चम्मच से थोड़ा और कम ही लिया है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं अगर ना पसंद हो तो। एक चम्मच हम यहाँ पे नमक ले रहे हैं और दो चम्मच यहाँ पे भर के मैंने बेसन लिया हुआ है, और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे हम, ताकि कहीं पे भी लम्स ना रह जाए, बेसन के कुछ भी ऐसे गोल गोल दाने ना हो। अच्छे से मिक्स होना चाहिए हमारा बैटर, बहुत अच्छा सा सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। तो देखिए हमारा बैटर यहाँ पे कितने अच्छे से मिल गया है, मिक्स हो गया है, और इसी तरह का हमारा बैटर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक प्याज लिए, जिसके छिलके निकाल दिए, और पीछे की तरफ से हमने एक चाकू इस पर लगा दिया है, और थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ककड़ी यानी कि खीरे को अच्छे से क्रश करके कीस करके इसमें मिक्स किया है, मिला दिए हैं अच्छे से हमने। और अब हम बना रहे हैं नारियल की चटनी। तो यहाँ पे कच्चा नारियल, पानी वाला नारियल लिया है मैंने आधा, और चार पांच हरी मिर्च लिए। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो यहाँ पे भी आप मिर्च कम कर सकते हैं, और यहाँ पे नारियल ले लिया है मैंने, जिसे मैंने काट लिया है, और थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब हमें इसे पीस कर देखिए, यहाँ पर हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। तो थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने ऑयल लिया है, और जीरा, राई और सूखी लाल मिर्च को ले लिया मैंने, इसका तड़का लगाया है हमने, और ये हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दें आप चटनी में। उसके बाद यहाँ पे हमारा तवा गर्म हो चुका है, और प्याज में हमने बस थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा ऑयल लिया है, तेल लिया है, जिसको पूरे तवे पर इस तरह से प्याज से ही लगाएंगे। एकदम थोड़ा सा तेल लगाते हैं गाइस, और देखिए हमारा बैटर रेडी है यहाँ पे। तो दो तीन चम्मच आप जितना बड़ा चीला बनाना चाहते हैं उतने चम्मच यहाँ पे बैटर ले लें। यहाँ पे जैसे कि मैंने तीन चम्मच चार चम्मच लिया है बैटर, और उसके बाद बस तवे को इस तरह से धीरे धीरे गोल गोल घुमाना है, चम्मच के साथ नहीं करना है कुछ भी, नहीं तो चीला टूट जाएगा। बस ऐसे ही धीरे धीरे घुमाते जाएँ तवे को, और आपका चीला गोल बनता जाएगा। बस ऐसे धीरे धीरे यूं घुमाना है, और देखिए पूरे तवे पे बैटर फैल चुका है, हमारा चीला एकदम गोल बन चुका है, और देखिए कि धीरे धीरे से पक रहा है। गाइस, इसमें बहुत कम तेल के साथ हम बनाते हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी होता है, और अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो भी ये खा सकते हैं। अभी मैं वेट लूज़ कर रही हूँ, कोशिश जारी है गाइस, देखिए कि कब तक मैं दुबली हो जाती हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। ऑयल बहुत कम लगाना है गाइस, एकदम थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। प्याज के साथ बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाएं, और हमारा चीला नीचे से पकता जाएगा। हाँ, गैस एकदम कम रखना है, मीडियम फ्लेम पर रखना है, और तेज नहीं करता थी तो चीला पकेगा नहीं, और आपका चीला बहुत जल्दी जल जाएगा। तो देखिए साइड साइड से हमारा चीला पक चुका है, बीच में थोड़ा सा हल्का सा मोटा रहता है चीला, हल्का सा मोटा ही रहता है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में। बाकी देखिए धीरे 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 पकता जाएगा, और साइड साइड से चीला हमारा तवे से अलग होता जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी चीले को निकालने में पलटाते वक्त। देखिए कितने अच्छे से पक चुका है, और इस तरह का एक कड़छू ले लें आप, जिससे धीरे धीरे आपको लास्ट से किनार किनार से आपको ऐसे चीले निकालना है। बीच से एकदम से जल्दबाजी मत कर लेना,
नहीं तो चीला पूरा फट जाएगा और आपकी इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो देखिए जिस तरह से मैं इसे धीरे धीरे किनारे किनारे से निकाल रही हूँ चीले को, बस आपको भी ऐसे ही निकालना है। गाइस मेरा ये वीडियो देखकर अगर आप घर पर ये चीला बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चीला कैसा लगा। अगर आपका चीला नीचे से अच्छे से पक चुका है गाइस और जला नहीं है, चिपका नहीं है, कच्चा नहीं रहा है, तो एकदम आराम से आपका चीला निकल जाएगा। तो देखिए अभी हमारा चीला पक गया और हम इसे पलटाएंगे। गाइस दूसरी तरफ से भी बस वैसे ही हमें चीले को पकाना है। तो देखिए गाइस हमारा चीला बहुत अच्छे से दोनों साइड से पक चुका है, क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो चुका है। तो बस इसी तरह से आपको मीडियम फ्लेम पे पकाना है अपने चीले को, जिससे कि ये पूरी तरह से अच्छे से पक जाता है। बहुत कम तेल में आप अपने चीले को रेडी कर सकते हो। तो ये देखिए बन चुका है हमारा चीला, रेडी हो गया है। बस अब आप इसे गाइस यहाँ पे मैंने अपने चीले को प्लेट में निकाल लिया है और हल्का सा ऐसे रोल बना लिया है। नारियल की चटनी उसे भी ले लिया है और देखिए हमारा चीला कितने अच्छे से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सा बना है और देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना गाइस, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगने वाला है, क्योंकि इसमें खीरा भी ऐड किया है हमने। खीरे का चीला, या कह सकते हैं आटे और खीरे का चीला। गाइस खाने में बहुत टेस्टी लगता है, हेल्दी होता है। नारियल के साथ में चटनी ली हमने तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये डिश मेरी पसंद आई हो, मेरा बनाया हुआ चीला पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो गाइस, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और बेल बटन प्रेस नहीं किया है तो वो बेल बटन प्रेस कर दे, और बस ऑल पर जब बेल बटन प्रेस करो तो ऑल पर क्लिक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।